हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे ब्लैक फंगस के बारे में, येलो फंगस और वाइट फंगस के बारे में। ये फंगस से होने वाली कोई नई बीमारी हमारी धरती के ऊपर नहीं आ गई है। ये बेसिकली जब से हमारी धरती के ऊपर फंगस हैं तब से इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ हैं, लेकिन आजकल हम न्यूज़ में इसलिए इनको ज़्यादा सुन रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्प्रेड हो रही है इंडिया के अंदर। वरना तो ये बहुत ही रेयर बीमारी है और बहुत ही कम लोगों को इससे इफ़ेक्ट होता है। अब किस किस तरह के लोगों को इससे इफेक्ट होता है, किन लोगों को इससे सावधान रहना चाहिए और हमें इससे बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो इस सब मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं। और इसलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे प्लेनेट के ऊपर जब से जीवन है जब से फंगस भी मौजूद है और इसने हमारे पूरे एनवायरनमेंट को कंटिमिनेट किया हुआ है। ये आपको मट्टी के अंदर भी मिलेगी, आपको जल के अंदर भी मिलेगी और आपको हवा के अंदर भी मिलेगी, जो कि हमारे खाने के थ्रू और हमारे सांस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाती रहती है। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि हमारी धरती के ऊपर 30 लाख से ज़्यादा स्पीसीज फंगस की पाई जाती हैं, जिनमें से अभी तक केवल 1,48,000 फंगसिस डिस्क्राइब की गई हैं, जिनमें से 8,000 से ज़्यादा फंगस ऐसी हैं जो कि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं और 300 से ज़्यादा प्रजातियां ऐसी हैं फंगस की जो हम लोगों को यानी इंसान को बीमार करती हैं, इंसान के लिए घातक हैं। और दोस्तों, इन्हीं के अंदर ये ब्लैक फंगस, येलो फंगस और वाइट फंगस वाली बीमारियाँ आती हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर बीमारी है, एक स्वस्थ मनुष्य को ये नहीं होती है। खासकर ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, ऐसे लोगों को चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस तरह की बीमारी होने के। और खासकर इंडिया में ये इसलिए ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि स्टेरॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इम्यून सिस्टम जल्दी जो है वीक हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारी इंडिया में ज़्यादा सुनने को मिल रही है। इंटरनेशनली ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर ये ज़्यादा फैल रही है। अब इसमें जो सबसे डराने वाला पार्ट है, चूंकि ये रेयर केस में होती है, सबसे ज़्यादा डराने वाला पार्ट ये है कि ये इसका जो मोर्टिलिटी रेट है बहुत ही ज़्यादा हाई है, 40-50% का इसका मोर्टिलिटी रेट है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों किन किन लोगों को इससे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, ऐसे लोग जो कि कैंसर के लिए कीमो करा रहे हैं, HIV पॉजिटिव हैं, जिन्हें हाई लेवल की शुगर की बीमारी है, या जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इंडिया के अंदर इसका फैलने का एक रीज़न स्टेरॉइड ही है दोस्तों, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हर कोई स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी कोरोना की कोई दवाई तो है नहीं। अब कोरोना पेशेंट को बचाने के लिए जैसे ही उसका ऑक्सीजन लेवल जो है 90% से नीचे जाता है, तुरंत स्टेरॉइड डॉक्टर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ केसों में दोस्तों ये भी देखा गया है कि जो ऑक्सीजन लेवल है 90% से नीचे गया नहीं, लेकिन डॉक्टर ने 90% से पहले जो है स्टेरॉइड स्टार्ट कर दिए। दोस्तों, अब बात आती है कि हम इन बीमारियों से अपना कैसे बचाव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो फंगस होती है उसको ग्रो करने के लिए चाहिए गर्म टेम्परेचर और साथ ही नमी। अगर डैम्पनेस कहीं पर है, जैसे कि आप दीवारों पर देखते हैं, बाथरूम के अंदर देखते हैं, या कहीं कोई गंदी जगह है जहाँ पर क्लीननेस का ध्यान नहीं रखा जाता, ऐसी जगहों पर जो है फंगस बहुत जल्दी ग्रो करती है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आपने घर के अंदर खाना बनाया है या कोई आपके पास ब्रेड रखी है, उसको अगर आप कहीं नमी वाली जगह पर रख दें 4-5 दिन 6 दिन के अंदर, तो आप देखेंगे वहाँ पर जो है ग्रीन कलर के या किसी और कलर के आपको मोल्ड दिखाई देंगे, जो कि फंगस है दोस्तों। तो जो फंगस के स्पोर्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर हर जगह फैले हुए हैं, हर एनवायरनमेंट के अंदर फैले हुए हैं, वायु के अंदर फैले हुए हैं, ज़मीन के अंदर हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर गर्म होता है और नमी इनको मिलती है, ये तुरंत जो है स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं और जल्दी तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो बस दोस्तों, आपको अपने आसपास क्लीननेस का ध्यान रखना है, खासकर ऐसे लोग जो कि बीमार हैं, कोरोना पेशेंट हैं, या वो कीमो ले रहे हैं कैंसर की वजह से, या HIV है, या शुगर की बीमारी है, उनको स्पेशली ध्यान रखना है इस चीज़ का। चलिए कुछ मैं आपको टिप्स बता देता हूँ आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई के लिए अपने आसपास। दोस्तों, अगर आपकी अभी कोरोना से रिकवरी हुई है और आपने स्टेरॉइड लिए हैं, तो आपको स्पेशली अपने घर के अंदर साफ सफाई का स्पेशल ध्यान रखना है। किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप अपने घर के अंदर अगर हाइजीन और क्लीननेस मेंटेन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक अच्छा सरफेस डिसइंफेक्टेंट खरीद लें। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं सरफेस डिसइंफेक्टेंट के बारे में, तो मैंने आपको आई बटन पे लिंक दे दिया है, आप जाके ये वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं, जहां पर आपको सरफेस डिसइंफेक्टेंट कौन से अच्छे हैं, कौन से सस्ते हैं, उसके बारे में मैंने बताया है।
आपको जो पसंद हो वो ले सकते हैं। वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे दिया है सभी सर्विस डिसइंफेक्टेंट का, जो कि आज के टाइम में बहुत ही अच्छे हैं और ज़्यादा यूज इस्तेमाल में आ रहे हैं। तो इनमें से जो आपको पसंद हो आप खरीद सकते हैं। अब आपको यूज़ कैसे करना है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सरफेस डिसइनफेक्टेंट को आप अपने घर को सैनिटाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको मोपिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो आपके घर के अंदर बाथरूम है दोस्तों, उसको डेली साफ करना, खासकर ऐसे पेशेंट जो कोरोना से अभी अभी उभरे हैं या जो अपना कीमो करा रहे हैं या HIV से पॉजिटिव हैं, ऐसे लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है कि अपना डेली बाथरूम साफ करें, नंबर वन, अपना रूम साफ करें, ठीक है दोस्तों। नंबर टू, डेली बेडशीट आपको चेंज करनी है, पिलो कवर और बेडशीट आपको डेली चेंज करनी है अपनी। नंबर थ्री, अगर आप मास्क लगा रहे हैं दोस्तों, तो मास्क एक दिन से ज्यादा यूज ना करें, दूसरे दिन उस मास्क को या तो धो के यूज करें अगर वॉशेबल मास्क है, और अगर डिस्पोजल मास्क है तो आप नया मास्क यूज करें। नंबर फोर दोस्तों, अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है तो अपने रूम के अंदर एक अच्छा एयर प्यूरीफायर लगा लें। कौन कौन से एयर प्यूरीफायर अच्छे हैं और सस्ते हैं उनका लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है, वहां जाके आप करंट रेट चेक कर सकते हैं, आपको जो पसंद हो आप वो खरीद सकते हैं। एयर प्यूरीफायर लगाने का फायदा यह है दोस्तों, हमारे घर की एयर में मौजूद पोल्यूशन पार्टिकल के अलावा जो वायरस, बैक्टीरिया या फंगस के स्पोर्स हैं उनको भी एयर प्यूरीफायर फिल्टर कर देता है, तो इसलिए एक अच्छा प्यूरीफायर जरूर लगाएं। नंबर फाइव दोस्तों, आप जो भी खाना खाने के बर्तन हैं आपके, उनको साफ करके ही यूज करें। ऐसा नहीं कि दो तीन दिन से बर्तन धुले हुए रखे हैं और आपने वही बर्तन उठाया उसी के अंदर खाना डाला और खा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले उसको पानी के अंदर खंगाल लेना है, पानी के अंदर खाना खंगालने के बाद ही उसको खाने पीने के लिए यूज़ करना है दोस्तों। नंबर सिक्स, जो भी खाना आप अपने घर के अंदर बनाएं, डेली फ्रेश खाना खाएं और खाने को ज़्यादा दिन तक रेफ्रिजरेटर के अंदर बिल्कुल भी स्टोर ना करें, क्योंकि गर्मी का टाइम है दोस्तों, ऐसे टाइम में बहुत जल्दी फंगस का अटैक खाने के ऊपर होता है और वो खाने के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और हमारे किसी न किसी तरह से हमारे अंगों को या हमारी बॉडी पार्ट को किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इन पॉइंट्स के अलावा एक बात मैं आपको और बोलना चाहूँगा, कोशिश ये करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर रहें जब तक आपका इम्यून सिस्टम दोबारा से स्ट्रोंग ना हो जाए, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे एनवायरनमेंट के अंदर फंगस चारों तरफ है ही, सांस के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, बाहर का खाना खाएंगे हो सकता है वो इतना हाइजीन वाला ना हो, तो कोशिश करें घर पर ही रहें और जो है अपने घर के अंदर ही जो खाना है उसी का इस्तेमाल करें और फ्रेश खाने का इस्तेमाल करें, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही जो आपके कपड़े हैं वो डेली चेंज करें, ऐसा नहीं कि आपने कपड़े पहन लिए और फिर तीन चार दिन के बाद दोबारा चेंज कर रहे हैं सोच के, या तो घर में ही हूँ कहीं बाहर जा नहीं रहा एसी के अंदर बैठूँ, ऐसा ना करें। क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि जब हमें पसीना आता है, पसीना आने से ह्यूमिडिटी होने की वजह से हमारे कपड़ों के ऊपर वो पसीना लग जाता है, जिसको फंगस को ईजिली आने में टाइम नहीं लगेगा ग्रो करने के लिए यहाँ पर। तो कोशिश करें कि आप डेली अपने कपड़ों को चेंज करें। तो दोस्तों इन बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे पेशेंट जो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको जरूर दिखाएं, जिससे कि वो अपना ध्यान रख सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।